Of the day के लिए। I good uh, good और पांच सौ डीलर में इसको लेकर मार्केट uh, काफी एक्साइटेड uh, लग रहा है स्टॉक में जबरदस्त तेजी का माहौल इसके अलावा यू टी आई एम सी यहाँ भी नतीजों को अगर आप देखे तो मुनाफा लगभग दुग्ना होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साल दर साल बेसिस पे और आय में भी लगभग पचास परसेंट का मोमेंटम चौबीस रुपए का डिविडेंड और रिजल्ट्स के बाद शेयर में लगभग तीन से चार परसेंट का गैप अप होता हुआ नज़र पड़ रहा है और आखिर में एल यानी एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स और गाइडेंस में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट दिखा है अगर हम रेवेन्यू मार्जिनस की बात करें तो मिस ही है लेकिन जो गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन मार्केट की थी वो भी लोअर एंड पे आता हुआ नज़र पड़ा है जिसके बाद स्टॉक में लगभग दस परसेंट का डाउन सर्किट आप देख रहे हैं अभी भी स्टॉक लगभग सात परसेंट नीचे है okay, ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका ना तो ये आज के स्टॉक्स ऑफ द डे चलिए अब एक स्टॉक लेकर आइए जो एक मेरा फेवरेट स्टॉक है जी एम एयरपोर्ट्स अभी तीन चार दिन पहले आई थिंक तीन चार दिन पहले क्यों परसों हाँ नहीं ट्यूसडे को डिस्कस हो रहा था एन जय कुमार के साथ भी पूरा ग्रुप डिस्कस हो रहा था और अब जी एम आर ऊपर एक बार इसका फिफ्टी वीक हाई और लो वाली प्लेट लेकर आइए एक महीने में अभी तेरह परसेंट रिटर्न दे चुका है आपको सात दिन में करीब करीब ग्यारह परसेंट के रिटर्न ध्यान रखिए क्योंकि ये एक हाई बीटा स्टॉक है यहाँ पर थोड़ी सी जब मार्केट में करेक्शन होती है तो इसमें भी एक करेक्शन होती है है क्या इसकी फिफ्टी टू वीक हाई लो वाली प्लेट हाँ ये देखिए अब इसने एक फिफ्टी टू वीक हाई बनाया था बीस फरवरी को और उसके बाद करेक्ट हुआ था ये स्टॉक मेरे ख्याल से लेट सेवेंटीज़ में चला गया था छः महीने का चार्ट रख दीजिए इसका सेवेंटीज़ में तो आई थिंक अर्ली एटीज़ तक तो गया ही था शायद और उसमें आई थिंक छः महीने के चार्ट में दिखाई देगा हाँ सेवेंटीज़ में चला गया था एक्चुअली ये स्टॉक वो करेक्शन में लेकिन अब शायद ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ता हुआ शिल्पा जी कोई व्यू है क्या इस स्टॉक पर जे एयरपोर्ट्स पर क्या ट्रिपल डिजिट में जाने की तैयारी हो रही है इस बार जी बिल्कुल यहाँ पे मुझे लगता है कि ये तो नाइन्टी एट हंड्रेड के लिए एकदम एक आपको मूव देने के लिए ही तैयार है तो यहाँ पे इनफैक्ट हमने इस क्लाइंट्स को यहाँ पे रेकमेंड भी किया है कि आप यहाँ पे यू कैन स्टे लॉन्ग आप नाइन्टी एट से हंड्रेड के लिए आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं Uh, अगर किसी को थोड़ा यहाँ पे वो हीरो जीरो ट्रेड के हिसाब से अगर आपको प्ले करना है तो मुझे लगता है एक हंड्रेड का कॉल ऑप्शन मे सीरीज़ का uh, एक रुपए वन रुपये सेवेंटी uh, फाइव पैसे पे अभी है अगर आप इसको एक सीरीज़ के थ्रू आउट इसको प्ले करना चाहते हैं तो आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं मुझे लगता है ये ट्रेड आपको टू फोर से फाइव तक भी ट्रेड कर तो मिलना चाहिए